तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के जनरल नॉलेज के वीडियो में और जीके सीरीज वीडियो नंबर 121। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, मनी ऑर्डर सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। जो मनी ऑर्डर सिस्टम है वो भारत में कब शुरुआत हुआ या कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ इसका? तो ये हुआ था साल 1880 में, 1880 में। और ये जो मनी ऑर्डर सिस्टम है ये इशू किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है बंगला। और अगर बात किया जाए त्रिपुरा का कैपिटल का, तो वो होता है अगरतला, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 37%। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें उसमें महिलाओं के लिए कितना परसेंट सीट रिजर्व रहता है? तो रहता है आपका 33%, ठीक है। देन और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। ये क्वेश्चन तो पता ही होगा आप लोग को। तो क्या था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट पीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है आपका गवर्नर, ठीक है। स्टेट पीएससी का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, बाई वूम आर द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड इंडिया। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो वो करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, ठीक है। तो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन याद रखिए। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, विच लाइन सर्व्स टू डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया है। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर पड़ता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन बोलते हैं हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो है। देन क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है, तो ये होता है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड। यहां मेनलैंड का बात कर रहा है, देखिए तो यहाँ मेन लैंड का बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, ठीक है। यह मेन लैंड के बारे में बात कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन। यहां पे नया वर्ड मिला देखने को, कोस्ट लाइन। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, क्या है, 6100 किलोमीटर। और एक होगा आपका 7517 किलोमीटर। अब मैं ये दोनों में बताता हूं क्यों लिखा हूं मैं। देखिए आपका ये जो 6100 किलोमीटर जो ये है, ये लेंथ है, ये आपका इंडिया का मेन लैंड का है, ठीक है। मेन लैंड मतलब ये इंडिया है, ठीक है। और ये बाकी सब पानी, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया और बे ऑफ बंगाल। ये जो पानी वाला एरिया है टोटल, यहाँ पे जो ये जो है इस पार्ट को हम लोग कोस्ट लैंड कहते हैं। तो ये इंडिया का मेन लैंड हुआ। तो ये जो मेन लैंड है ये टोटल कितने लेंथ में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ आपका 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें हम लोग अगर आपका अंडमान एंड निकोबार और आपका लक्षद्वीप को ऐड कर दे अगर, तब आपका हो जाएगा ये 7517 किलोमीटर का, ठीक है। तब हमारा कोस्ट लाइन का लेंथ हो जाएगा 7517।
समझ में आया? सो 1 to 10 क्वेश्चंस कवर किया हमने, तो जीके सीरीज 121 नंबर वीडियो भी आज कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे जल्दी 122 नंबर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।